बड़ी खबर है श्रीगंगानगर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, 11G छोटी गुरुद्वारा प्रकरण मामले में प्रशासन ने आदेश दिए हैं। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, 11G छोटी गुरुद्वारा मामले में प्रशासन ने आदेश दिए। श्रीगंगानगर में धारा 144 की लागू और इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी, बड़ी जानकारी आपको दे रहे। कानून व्यवस्था प्रभावित होने के चलते ये फैसला लिया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है, इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी और साथ ही जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने ये आदेश जारी किए हैं। आज रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक आदेश प्रभावी रहेंगे। एसपी राजन दुष्यंत के अवगत करवाने के बाद डीएम ने ये आदेश निकाले हैं। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या ये पूरा मसला किस लिए धारा 144 भी वहां पर लगा दिया गया, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है, जरा बताएं विस्तार से। दीपा, आपको बता दूं, ये श्री गंगानगर के 11G छोटी एक गुरुद्वारा का मामला है। यहाँ पे गुरु नानक साहब के ये पावन स्वरूप को लेकर ये विवाद चल रहा था। सिखों के दो गुटों में ये विवाद है। बेअदबी का एक सिख गुट है जो गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी का यहाँ पे आरोप लगा रहा है, दूसरे गुट पे कि एक कब्र के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश हो रहा है और इसके चलते अमृतसर में ये आरोप लगाया गया। वहाँ पे एप्लीकेशन देखी तो वहां से ये आदेश निकला कि ये गुरु ग्रंथ साहिब है जो वापस अमृतसर भेजा जाए। उसको लेके दूसरा जो गुट है सरदारों का, वो वापस गुरु ग्रंथ साहिब है तो सौंपने के लिए तैयार नहीं है। और इधर से जो कोर्ट के अंदर जो एक ग्रुप है कोर्ट के अंदर चला गया, उसके बाद कोर्ट से स्टे हो गया उस मामले को लेकर। तो स्टे होने के बाद में ये पूरा राजस्थान सरकार और प्रशासन पे बात आ जाती है कि जो कानून व्यवस्था है उसके उसको सुचारू करे। और जो दूसरा ग्रुप है वह इस मामले को लेकर जो कोर्ट का आदेश है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बोल रहा है कि हमारे जो अमृतसर से गुरु ग्रंथ साहिब है जो कमेटी है वही निर्णय लेती है, वही हमारी कोर्ट है, हम इस कोर्ट का आदेश मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ये प्रशासन जिला प्रशासन है वो करीब 4 दौर की वार्ता है वो दोनों गुटों में करवाने के लिए प्रयास करता रहा और आखिरकार वो बात सिरे नहीं चढ़ पाई। दोनों गुट है जो आपस में सुलझे नहीं और ये विवाद लगातार बढ़ता चला गया। इसको लेकर कल जो है पंजाब की तरफ से जो निहंग है जो कमेटी 5 कमेटी जो सदस्य है काफी भारी संख्या में गंगानगर की सीमा में प्रवेश करने वाला है सुबह 10 बजे। इसको लेकर जो प्रशासन है टकराव को चलते हुए ये बड़े आदेश दिए हैं। 144 धारा लागू की है और इंटरनेट सेवाएं हैं जो आज रात 12 बजे से कल रात तक 12 बजे तक बंद रहेगी। लेकिन सुनील, ये पूरे श्रीगंगानगर में है या फिर कुछ कुछ चंद इलाके वो जहाँ पर विवाद की आशंका है या फिर प्रशासन ने आशंका जाहिर करते हुए कुछ कुछ इलाकों को चिन्हित किया है, पूरे श्रीगंगानगर में है या फिर कुछ इलाके हैं? बिल्कुल दीपा, ये पूरे जिले भर में ही इसको लागू किया गया है। इसमें सेवाएं बंद और 144 धारा जो लागू है वो पूरे जिले भर में लागू किया गया है। इसलिए लागू किया गया है तो सिख समाज है पूरे जिले भर में अलग अलग गाँव में रहता है और कहीं ना कहीं कोई अप्रिय घटना घटना जाए, चलिए कोई अप्रिय घटना ना हो इसलिए अपनी तरफ से प्रशासन ने इंतजाम कर लिया। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा सुनील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।